बालोतरा जिले की संदड़ी पुलिस ने घर में घुसकर महिला और उसके पति के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले एक महिला सहित चार जनों को गिरफ्तार किया है। एक महीने पहले प्लांट विवाद को लेकर मारपीट की थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं मुख्य आरोपी के खिलाफ 9 मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार महेश नगर संदड़ी निवासी अजमत खातून पत्नी रहमत अली महेश नगर की आबादी में किराए के मकान में रहती है। 29 मई को सुबह करीब 10-11 बजे के बीच में पीड़ित और उसका पति मकान में थे। इस दौरान घेवर राम, उसकी पत्नी मोरी देवी, बेटे दीपक व प्रकाश और ड्राइवर कालूराम एक साथ घर में घुसे। उनके हाथों में लाठियां थीं। आते ही उन्होंने हमला कर दिया। लोगों ने महिला के पति पर लाठियां बरसा दीं, घर में रखा सामान में तोड़फोड़ कर दी। समदड़ी पुलिस ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। समदड़ी थाना अधिकारी गीता कुमारी ने बताया कि घटना का मौका मुआयना किया गया। आसपास के लोगों से पूछताछ और जांच पड़ताल की गई। आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाश मजल सामुजा महेश नगर व संभावित ठिकानों पर दबिश थी। तकनीकी मदद के आधार पर घेवर राम पुत्र मिश्रा राम मोरी देवी दीपक प्रकाश निवासी महेश नगर समदड़ी को पकड़कर पूछताछ की। जुर्म कबूल करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के रिकॉर्ड को खंगाला तो घेवरा राम के खिलाफ समदड़ी 8 और एक मामला जोधपुर के उदय मंदिर में दर्ज पाया गया। प्रकाश के खिलाफ एक मामला दर्ज है। कार्रवाई में जुटी पुलिस। कांस्टेबल राकेश कुमार, संदीप कुमार, सोमानी लाल, संदीप और जगदीश शामिल रहे। श्रीमान एसपी सर बालोतरा के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत महेश नगर गाँव में दिनांक 29 मई 2023 को प्लॉट में अनाधिकृत प्रवेश कर गाली गलौज करने एवं मारपीट का प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसके आरोपी घेवर राम पत्नी मीनू देवी पुत्र प्रकाश दीपक को 12 माह पश्चात दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आरोपी घेवर राम के पूर्व में कई प्रकरण दर्ज हैं। संदड़ी तहसील से क्राइम संवाददाता डूगरमाली की रिपोर्ट।